अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मज़ाकरात का पहला दौर मस्बत रहा है, दूसरा मरहला अभी बाकी है। इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन की क़ियादत ने मुज़ाकरात के बाद बाहर आकर क्या कुछ कहा है, उसकी अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो में अहम तरीन पैगाम भी हैं और मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी। इनके पैसे पर डाका डालना है इंशाल्लाह, अब वो शर्मिंदा भी हो रहे हैं और आपके एक रुपए पर ये क़यादत न किसी को ये जरूरत देखी न इंशाल्लाह ये हो सकेगा कि एक रुपए के भी आपका नुकसान कर सके। हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद। हम कमेंटेड लोग हैं, हम जो बात करते हैं वो सीधी और प्योर बात करते हैं। अगर ये कोई कहे कि हम इनसे उस्तादी लाड़ लेंगे तो ये नहीं हो सकता। मैं एक चीज जानता हूं कि जब इंसान की नीयत सही होती है तो अगर कोई दूसरा उस्तादी करता है तो वो मालिक उनको फिर जलील भी कर देता है। इंशाल्लाह हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत प्योर है और वो यही है कि हमने अपने किसी हक पर डाका नहीं डाल देना और इंशाल्लाह उसका बंदोबस्त हो चुका है। तो आप हौसला रखें, इस धरने को कामयाब रखें और क़यादत आपकी जो रबते हो रहे हैं, इंतजामिया को क़यादत ने कह दिया है कि बुला लो उन लोगों को जिन्होंने फैसला याद करने हैं और वो बैठे हमारे सामने, वो भी दलील दे, हम भी दलील से बात करेंगे। अगर उनकी दलील में वजन हुआ तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी बात हक सच पर है और इस मुल्क के वसायल भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी हैं, अगर वसायल हैं तो डीसीओं को 22-22 करोड़ के डाले जा रहे हैं, पेट्रोल भी जा रहा है, हम तो पेट्रोल भी अपना डलवाते हैं, सवारी भी अपने इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे अफसरों को भी हमने कहा इस मुल्क का सोचना पड़ेगा, हम तो पहले ही सोच रहे हैं और अगर आपने मुल्क के लिए ना सोचा तो फिर भी अच्छी बात नहीं है, हमने ना सोचा तो फिर भी अच्छी बात नहीं है। इंशाल्लाह कामयाबी कामरानी आपके कदम चूमेंगी। मैं आपकी क़यादत को यकीन जानिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, मशवरा देते हैं मुझे और जो मैं आखिर में डिसीजन करता हूँ अमल दरामद कर देते हैं और यही कामयाबी का निशानी है। कामयाबी उधर से नहीं, कामयाबी यहां से हमें मिलनी है। हमारे नेक इरादों की वजह से, हमारी मजबूती की वजह से, हमारी यकजहती की वजह से, हमारे इकट्ठ की वजह से वो आपने फैसला कर लिया है कि हमने इकट्ठे रहना है, हमने यकजहती दिखानी है, हमने यहां पर पावर शो बरकरार रख ली है और यही आपकी कामयाबी है, यही आपकी कामयाबी है इंशाअल्लाह। तो मैं तमाम भाइयों का मशहूर हूं और जो काफले चले हुए हैं और जो दोस्त अभी चलने का इरादा रखते हैं उन्हें भी मैं कहता हूं कि देर हो जाएगी, शायद मुसाकरात जल्दी हो जाए, आप जल्दी पहुंच जाए और आप भी इस जिहाद का हिस्सा बन जाए। एक अफसोसनाक खबर है, एक मिनट करो भाई, अभी खबर आई है
कि मंडी बहुत दिन से हमारा न महकमा ज़राअत का नियर इकबाल साहब जो है वो धरने की तरफ आ रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उसके गुनाहों को माफ कर दे और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए और उसके लवाहिकीन को अल्लाह सब्र जमील दे। अभी डेथ की खबर आई है, जनाजे का नहीं पता। चलो सर, तो बंदा जिंदा है इंशाल्लाह। अभी तक जो मुज़ाकरात हुए हैं, हमारी टीम अंदर गई थी, वो इंतहाई पॉजिटिव और तसल्ली बख्श है। उस पर फिर मुज़ाकरात होने हैं और इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं, जैसे गुफ्तगू थी इंतजामिया की, कि चीजें आपकी तरफ पॉजिटिव जा रही हैं। जल्दबाजी हम भी नहीं कर रहे और हमें उनको भी टाइम दिया कि सोच समझ लो ना, आप कोई गलती कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम सब्र वाले लोग हैं, तहम्मुल वाले लोग हैं, हम बर्दाश्त करने वाले हैं और जब हमने सब्र तहम्मुल बर्दाश्त करना सीख लिया तो कामयाबियां हमेशा सब्र वालों की कदम चूमती हैं, बर्दाश्त करने वालों के कदम चूमती हैं और हमने बर्दाश्त किया। हम